ये हमारे पास है डाइकन के इन्वर्टर, एसी का बोर्ड आउटडोर का। और इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसमें हमारे जो पीएफसी सर्किट है उसमें फॉल्ट है। इसमें जो हमारे ये जो 2 IGBT लगे होते हैं पीएफसी सर्किट के लिए, वो बुरी तरह से जल चुके हैं। आप देख सकते हो ये फटा हुआ है बुरी तरह से। और इसके जो नीचे SMD रजिस्टेंस हैं वगैरह, और जो हमारे IC वगैरह लगे होते हैं, वो भी बुरी तरह से जल चुके हैं, जिसके कारण क्या प्रॉब्लम करती है ये PCB। अगर इनको हम निकाल देते हैं तो ये PCB 1 मिनट कंप्रेशर को ऑन करती है, और जैसे ही उस पर लोड पड़ता है ये हमारी PCB जो है वो कंप्रेशर को बंद कर देती है, और हमारा जो DC वोल्टेज का एरर है वो इनडोर की PCB में आ रहा है। तो आज आपको इसको रिपेयर करके दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। और इसके ये 2 IGBT डालेंगे सबसे पहले तो हम, और इसका नीचे जो PFC सर्किट का IGBT का हमारा ड्राइव का सेक्शन है वो भी हमें रिपेयर करना पड़ेगा। आप देख सकते हो। तो सबसे पहले तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ऐसी और वीडियोस देख। तो ये है हमारे पास इसका IGBT जो कि हम इसमें डालेंगे। और सबसे पहले तो आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये IGBT चाहिए रिपेयर करने के लिए PCB, तो आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। आप देख सकते हो ये हमारे पास नए IGBT हैं इसके। तो सबसे पहले तो हम ड्राइव का सेक्शन रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका जो ड्राइव का सेक्शन है ये दोनों IGBT का, जिससे इनको ड्राइव मिलेगी, हम उसे रिपेयर करेंगे। और ये जो हमारे जो सभी कंपोनेंट लगे हुए हैं इनको चेंज करेंगे, और इधर वाले को भी चेंज करेंगे। अगर आपको इसकी डायग्राम चाहिए तो वो भी आपको हम दे सकते हैं। अगर आपको इसकी रेजिस्टेंस है और जो हमारे IC लगे हुए हैं उसकी वैल्यू या उनका नंबर पता करने में मुश्किल आ रही है, रेजिस्टेंस है की वैल्यू पता करने में मुश्किल आ रही है, तो आप हमसे डायग्राम ले सकते हो। और अभी हम इसमें जो हमारा ड्राइव का सामान है वो डाल देते हैं। तो अभी हमने यहाँ के सारे कंपोनेंट बाहर निकाल दिए हैं, आप देख सकते हो। और अभी इसमें सारा सामान हम नया डालेंगे, और उसके बाद इसकी ड्राइव चेक करके इसमें जो हमारे नए IGBT हैं वो डाल के चेक करेंगे कि हमारा जो PFC सर्किट है वो ऑन होता है या नहीं। तो अभी हमने इसमें सभी कंपोनेंट हमारे डाल दिए हैं, और अभी इसमें हम IGBT डालेंगे और इसको ऑन करके चेक करेंगे इनडोर की PCB कनेक्ट करके इसके साथ। तो आप देख सकते हो अभी हमने इसकी ये दो मोटरें कनेक्ट की हैं, और ये इसकी इनडोर की PCB है, और ये हमारी आउटडोर की PCB है। और हमने अभी सारा सामान इसमें लगा दिया है, हमारे दोनों IGBT और इसका ड्राइव का सारा सामान। और अभी इसको ऑन करके देख लेते हैं कि 3 मिनट के बाद हमारा जो कंप्रेशर है वो ऑन होता है इसका या नहीं। तो अभी आप देख सकते हो हमारा जो कंप्रेशर है वो ऑन हो चुका है, और हमारी आउटडोर की ये मोटर चल रही है, ये इंडोर की है, और ये हमारी इंडोर की PCB है। तो अभी आपको इसके DC वोल्टेज कैपेसिटर पे मेन पे चेक करवा देते हैं। आप देख सकते हो अभी हमारे जो है 333 वोल्ट आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो PFC सर्किट है वो ऑन नहीं हुआ हुआ है इसमें, क्योंकि हमारा जो कंप्रेशर है वो भी खाली चल रहा है, आप देख सकते हो। और ये अभी सिर्फ 0.5 एम्पेयर ही ले रही है PCB जो हमारी है, और जिसके कारण कि हमारा जो अभी खाली कंप्रेशर के कारण हमारा PFC सर्किट अभी ऑन नहीं होगा यहाँ पे। और जो हमने इसमें सामान डाला है उसके हिसाब से हमारा जो सभी PFC सर्किट का जो सेक्शन है वो बिल्कुल ओके है। और अभी इसको हम कस्टमर को दे देंगे ताकि वो इसको लोड पे लगा के चेक कर सके। और अगर आपको इसके IGBT चाहिए तो आप हमें फ़ोन या मैसेज कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसकी डायग्राम चाहिए PFC सर्किट की, इसमें जो रजिस्टेंसें लगी होती हैं और इसमें ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उनकी वैल्यू की,
अगर आपको डायग्राम चाहिए तो भी हमें आप मैसेज कर सकते हो।